इंटरनेट वाला लव ख़त्म किया था तो मुझे दबंग के लिए ऑफर आया था, तो वहीं से तो मैंने इसी शो करने से पहले मैंने दबंग की थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी ये रुखसार का भी अभी प्लान चल रहा है आपको, वो बच्चों के गिराने का, फिर आपका गिरने का बाथरूम में, क्या वो सीन क्या है, क्या एग्जैक्टली? देखो अभी अभी रुखसार का प्लान होता है कि वो किसी तरह बच्चों को गिरा दे ताकि इल्ज़ाम ज़ारा पे आ जाए कि ज़ारा की वजह से बच्चे गिर गए, लेकिन होता ऐसा है ज़ारा गिर जाती है तो वही सब चल रहा है, तो आप देखिएगा। अभी स्कूल का बच्चों का पहला दिन आया स्कूल में, और उसके बाद फिर उस छोटी बच्ची को वो काफ़ी टीम वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा दिया गया था, कैसे? सुबह ही जब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे तो फिर दोस्त को हिजाब बांधने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब ऐसा सिचुएशन है कि फिरदौस पिन लगाने से डरती है, उसको लगता है कि एक उसके साथ ऐसा हो चुका है कि एक बार पिन खुल गई थी और फिरदौस को बहुत बुरी तरह चुभ गई थी, तो अब उसे पिन से बहुत डर लगता है, वो होते हैं ना बच्चे हैं दिमाग में, एक बार चीज़ अगर चली जाती है तो उसको पिन लगाने में बहुत डरती है, तो ज़ारा ने उसको कान बांध दी थी और भेज दिया था स्कूल, लेकिन उस वजह से उसका हिजाब बहुत ऐसे आ गया रहता, तो उसकी वजह से वो हर जगह टकराती है, गिरती है, संभालते संभालते बहुत स्ट्रगल करके आती है, तो वही कबीर को समझाना चाह रही है कि हम ये नहीं कह रहे कि तुम हिजाब मत बांधो बच्चों को, बस ये कह रहे हैं कि एक बार अलीशा की उम्र की हो जाए फिर उसे हिजाब बांधना सिखा दो, अभी फ़िलहाल वो बहुत छोटी है। तो क्या कबीर मानते हैं जब ज़ारा उनको ये समझा रही होती है, कबीर मानते हैं इस चीज़ के लिए कि उसमें भी बहसबाजी हो जाती है? उसमें भी थोड़ी बहसबाजी हो जाती है जो कि ज़ारा को अब समझना पड़ता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ज़ारा फिर वापस इस घर में रह पा रही है, तो अब उसके दिमाग में है कि नहीं जो कबीर कह रहा है वो सही है, हम वही कर रहे हैं। अच्छा, कड़े की क्या कहानी है? देखो अब इसके पीछे का जो सस्पेंस है अब काफ़ी बड़ा सस्पेंस है, ठीक है, फिर अगर मैं आप सबको बता दूँगी सस्पेंस खत्म हो जाएगा, आप लोग ऐसे चाहते हैं नहीं ना, तो इसलिए शो देखो। कि आपको कॉल भी आता है किसी का, तो काफ़ी परेशान हो जाती कॉल से कि क्या है एक्चुअली कॉल कर, वो कॉल भी इस कंगन से रिलेटेड ही है, तो तभी मैं कह रही हूँ ऐसे मत पूछो, शो देखो। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं प्लान ऑफ प्लॉटिंग कर रही है आज बच्चों को, मतलब तकलीफ पहुंचाने का, क्या कुछ चल रहा है रुखसार के दिमाग में फिलहाल? उसका प्लान करने का ज़रिया जो है वो बच्चे हैं इस वक्त, और वो ये इसलिए करती है कि जब बच्चा गिर जाएगा या बच्चे को लग जाएगी तो उसके पास एक बहाना मिल जाएगा कबीर को उकसाने का, कि देखो ये लड़की तो बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, तुम तो ये कह रहे थे वो करते, और कबीर को गुस्सा आएगा और ये बोलेगा कि अभी तो इसको मैंने एक मौका दिया था, एक मौके के बाद भी ये ऐसा कर रही है, तो वो गुस्से में आकर उसको बाहर निकाल देगा, उसका मोटो यही होता है कि ये गलती करवा दे और ज़ारा पर आ जाए, और कबीर फिर से बोले कि नहीं तुमसे नहीं होगा तुम जाओ, तो वो मोटो था। कहीं ना कहीं प्लान उल्टा पड़ जाता है, हाँ, मतलब ज़ारा अनफॉर्चुनेटली जाती है और वो गिर जाती है, हाँ, ज़ारा चली जाती है और वो गिर जाती है, तो रुखसार बहुत खुश होती है, अच्छा फिर दोस्त गिरी, हमें पता चलता नहीं ज़ारा गिरी है, तो कहती अरे ये क्या हो गया, पर फिर भी वो उसको वार्निंग देकर आती है कि तुम अभी अपना ख्याल रखो, इस वक्त और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। इसमें रुखसार का मतलब एकदम उल्टा ही हो जाता है, जहाँ वो कबीर ज़ारा को दूर करना चाहती है वो इसी दौरान पास आ जाते हैं, हाँ यही हो रहा है, सही कह रही हैं आप, यही हो रहा है, और इसके लिए दो तीन प्लानिंग और आती है, वही होता है फिर वही होता है। तो आगे का क्या मतलब एक कोई ठोस प्लान बना रही है आपकी, मतलब अभी कबीर और ज़ारा को जुदा करने के लिए? कहाँ पहुँचे थे हम, नहीं अभी आज के लिए तो इतना ही था, आज के लिए वो सरफ वाला था, पानी गिराने वाला था, फिर उसका गिरने वाला था, आगे तो अभी खुश नहीं है, शायद अब्बू के साथ मिलकर कर ले, क्योंकि अब्बू बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि उस लड़की के पास वो कंगन कैसे आया, तो अब्बू कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे या कुछ ऐसा होगा, तो दोनों में भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, या वही कर सकती है, या क्या पता चले अब्बू ही कुछ कर दे, एपिसोड पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।